अपनी गर्लफ्रेंड को कार में घुमाने के लिए चाकू की नोक पर ग्रैंड 10 गाड़ी लूटने वाले दीपक नाम के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पंचकुला क्राइम ब्रांच 19 के इंचार्ज करमवीर ने बताया कि पिछले शनिवार को एक व्यक्ति से चाकू की नोक पर कार लूटी गई थी और पुलिस ने आरोपी दीपक को गिरफ्तार कर 2 दिन का पुलिस रिमांड लिया है ताकि चोरी की कार और वारदात में इस्तेमाल किए चाकू को बरामद किया जा सके। सर, एक आरोपी गिरफ्तार किया है, क्या है ये मामला? ये शनिवार की बात है। एक आरोपी है दीपक कुमार, उसने गाड़ी हायर की थी 3,000 रुपये। उसके बाद उसको PGI चंडीगढ़ मोहाली में घुमाता रहा सारे दिन और अपना मुंह बांध कर रखा उसने। तो वैसे पहले खालका में रहता था ताकि लड़का इसको पहचान ले, पहले देखा हुआ नहीं। उसके बाद इन्हें शाम को 6-7 के बीच में मनसा देवी के पास आके चाकू दिखा तो उस लड़के को गाड़ी से नीचे उतार दिया और गाड़ी लेकर फरार हो गया। उसके बाद CIA DSP साहब DCP साहब के दिशा निर्देशों अनुसार CIA की तीनों टीमें लगाई गई थी, जिसमें CIA क्राइम 19 में इसको गिरफ्तार किया है और अभी गाड़ी रिकवर की जानी है और चाकू बरामद किया जा रहा है। तो क्या मकसद क्या था गाड़ी चोरी करने का? मकसद इसके पास स्कूटी थी, गर्लफ्रेंड वगैरह थी इसकी, वो गाड़ी में घूमना चाहती थी और ये इसका कुछ बेच के जाए गाड़ी को कोई अपने नुकसान कर। अच्छा, तो इससे पहले भी कोई वारदात में ये शामिल है? इस तरह की वारदात तो कोई नहीं है, एक चेक है तो बाउंस हुआ है, उसमें घोड़ा घोटी हुआ है, बाकी अभी इसका क्राइम क्रिमिनल रिपोर्ट के पीछे कोई नहीं है। अर्थ प्रकाश के लिए पंचकुला से अक्षय जाधव की रिपोर्ट। ताज़ा अपडेट्स के लिए अर्थ प्रकाश टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।